रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की। साथ में बाबा को नहीं भूलना है। नमः पार्वती पते हमारे जिंदगी में आए कभी ऐसे हमने कल्पना भी नहीं की थी जो आज ये स्वतः स्फूर्त रूप से स्वतः प्रलोभित होकर के यहाँ पे सभी भक्तजन एक साथ इकट्ठे होकर के जो उत्सव मना रहे हैं ये हमारे जीवन की एक अनमोल घटना है। इसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के सभी जो भी पक्ष यहाँ पे सम्मिलित हैं आज के उत्सव को साकार रूप प्रदान करने के लिए और साथ में ये स्थान, इस स्थान की कल्पना जिन्होंने की डॉक्टर अपनेश वर्मा जी यहाँ बैठे हैं एक बार उनके लिए तो यही वो स्थान है जिसको उन्होंने जगाया है प्रारंभ से और मैं संयोग से उस प्रथम दिवस के प्रथम क्षण का भी साक्षी रहा हूँ। उस दिन राग बैरागी भैरव से 24 नवंबर 2014 का इसका सूत्रपात हुआ। डॉक्टर अपनेश वर्मा जी के चेहरे पर जो खुशी थी उस दिन से आज तक वो यथावत बनी हुई है और पुष्ट हो रही है, संपुष्ट हो रही है। वो क्षण भी याद है, 10 साल लगभग होने जा रहे हैं। मैं ये कामना करता हूँ, डॉक्टर अपनेश वर्मा जी से मेरा एक अनुरोध भी है कि 24 नवंबर 2024 के लिए जो 10 साल होगा उसके लिए अभी से आप सपना देखना शुरू करें। हम आपके इस स्वप्न दृष्टा के स्वप्न के साथ साथ रहेंगे और जो कुछ भी होगा ऐसा भव्य आयोजन होगा यहाँ पे। अभी से मैं इसकी घोषणा कर रहा हूँ, क्षमा करेंगे मैं कुछ आप गलत होगा। आज मेरे साथ डॉक्टर रागी सरना मेरी शिष्य, इधर प्रियांशु घोष बहुत जल्दी डॉक्टर की नवी मिलने वाली है, हमारी बेटी जयंतिका दे, हमारी दूसरी बेटी डालिया मुखर्जी, हर्षित उपाध्याय और उपाध्याय जी के बगल में एक और उपाध्याय कृष्ण कुमार उपाध्याय जी तबले पर, इधर सिद्धार्थ चक्रवर्ती और इधर हमारे रमेश सरना भैया तो लेकिन इस राम नाम के इस सुरसरी में सुरसरी के पारों तट पर राम भजन राग पटदीप के साथ जो इस समय का राग है, राग और भजन राम नाम के साथ प्रयास कर रहा हूं।
Raag, 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 Raag
Thank you.
इस तरह भजन के सरिता में अवगाहन कर रहे हैं। एक और गंगा का पवित्र जल है तो दूसरी और पवित्र शुरू का शुरू की गंगा इधर है। तो एक ऐसे भजन को मैं गाने जा रहा हूँ जिसमें बाबा विश्वनाथ जी भी आए, माँ गंगा भी आए और राम भी आए, तीनों एक ही भजन के एक ही जगह पे दर्शन दे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। भज भाई राम बगल में तुलसी घाट है जहाँ बैठ करके तुलसीदास जी ने इन भजनों को लिखा। ऐसे राम भक्त का स्मरण भी आज के दिन में होना बेहद जरूरी है। तो सभी को एक साथ स्मरण करने का प्रयास कर रहा हूँ। Raag mein chalna, 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 raag mein chalna
जय राम जय राम।